सब्सक्राइब कीजिए टेक गुरु मुकेश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम मुकेश और आप देख रहे हैं टेक गुरु मुकेश चैनल। दोस्तों ये चल रही है हमारी इंस्टाग्राम की सीरीज, और इंस्टाग्राम में सबसे पहले मैंने आपको सिखाया इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना। उसके बाद वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि इंस्टाग्राम में आप अपनी प्रोफाइल को कैसे मैनेज करेंगे, और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इंस्टाग्राम पे अपनी पहली पोस्ट कैसे करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजिकल वीडियोज का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं पहले चलता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पे है मेरा इंस्टाग्राम, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है। दोस्तों इंस्टाग्राम में कोई भी पहली पोस्ट करने से पहले एक या एक से अधिक किसी प्रोफाइल को आपको फॉलो करना होगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे किसी को कर सकते हैं, या फिर अपने दोस्त अपने फ्रेंड को आप यहाँ पे सर्च में आएंगे। सर्च में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा से ऊपर सर्च में आएंगे, और यहाँ पे सर्च में आने के बाद अपने फ्रेंड का नेम सर्च करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा यूज़र नेम आप यहाँ पे टाइप करेंगे। आप मेरा ये यूज़र नेम यहाँ पे टाइप करेंगे तो सबसे टॉप के सजेशन में ही मेरी आईडी आ जाती है। दोस्तों ये मेरी पहली आईडी है, ये मेरी पहले की आईडी है, ये वर्क अभी नहीं कर रही है। अभी मेरी ये वाली आईडी वर्क कर रही है, मुकेश टैग करो। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आप मेरी प्रोफाइल पे आ जाएंगे, और प्रोफाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे फॉलो का बटन दिखाई देगा। इस फॉलो के बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं आपके सामने यहाँ पे फॉलोइंग लिखा हुआ आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जानी है, यहाँ से अब होम बटन पर क्लिक कर देना है। होम बटन पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर टॉप पर आ जानी है। यहाँ पर आपको दो आइकन्स दिखाई दे रहे होंगे, एक यहाँ पर प्लस का और एक यहाँ पर मैसेजेस का। तो हम यहाँ पर प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह के चार ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। पहला है पोस्ट, दूसरी है स्टोरी, तीसरी है रील और चौथी है लाइव। तो आज के वीडियो में आपको सिखा रहा हूँ पोस्ट करना। तो हम सबसे पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने न्यू पोस्ट का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पे जो हमारी प्रोफाइल की जो फर्स्ट पिक्चर होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है। हमें यहाँ से जो भी हमारी फ़ोटो है उसको हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने ये वाली फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट की है, और यहाँ पे जो हम पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम में, इस पोस्ट का जो साइज होता है, इसके जो रेशियो होते हैं वो 1080x1080 पिक्सल्स होते हैं। तो आपको ऐसी पिक्चर चूज़ करनी है जो आपका इस फ्रेम में फिट आए। इनकेस अगर आपकी कोई बड़ी पिक्चर होती है जिसको आपको पोस्ट करना ही है, जैसे कि ये मेरी पिक्चर है वो थोड़ी बड़ी है, 1080x1080 में नहीं है, तो इस पिक्चर में आप देखेंगे तो मेरा ऊपर का जो सिर का जो एरिया है वो यहाँ से कट रहा है। अगर आपके पोस्ट में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको यहाँ पे इस वाले आइकन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो पिक्चर है वो पूरे फुल फ्रेम में यहाँ पे आ जाती है। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इस एरो के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम उस एरो के ऊपर क्लिक कर देते हैं हमारे जो पिक्चर है वो फिल्टर ऑप्शन में आ जाती है। अब यहाँ से आप अपने पिक्चर में कोई भी फिल्टर, कोई भी इफेक्ट अगर आप देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये बेसिकली नॉर्मल है, आप यहाँ पे जा सकते हैं इस तरह से। इसमें बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जो आप अपनी फ़ोटो में लगा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसको नॉर्मल ही रहने देता हूँ। यहाँ पे इन फिल्टर्स के अलावा आपको यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से अपने पिक्चर का रोटेशन एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रास्ट, स्ट्रक्चर, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ करके आप अपने पोस्ट को और भी ज़्यादा सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। तो मैं इसमें से किसी को भी अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा इस यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप एरो के ऊपर क्लिक कर देते हैं आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अपने पोस्ट के बारे में, अपने पिक्चर के बारे में कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखनी है। तो चलिए मैं अपने इस पिक्चर के बारे में कुछ डिटेल आपको लिखकर समझाता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अपने पोस्ट के बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, जैसे कि माय फर्स्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, और इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नीचे कुछ हैशटैग्स भी जो है यूज़ करने हैं। हमें इसमें कुछ टेक्स्ट के साथ साथ हमारे इस पोस्ट में
हैश टैग्स भी जो है यूज़ करने हैं हमारे पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे दो हैश टैग यहाँ पे यूज़ किए हैं। आप भी दो तीन या चार ही हैश टैग यूज़ करें, उससे ज़्यादा हैश टैग यूज़ मत करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हैश टैग यूज़ करेंगे तो वो स्पैम हो जाता है। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन टैग पीपल का। अब यहाँ पे इस पिक्चर में आप जिसको टैग करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे टैग कर सकते हैं। टैग करने के लिए हम इस टैग पीपल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम इस जगह पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का एक सर्च ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे हमें जिसको भी टैग करना है उसका यूज़र नेम या फिर उसका नेम हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऊपर लिखा हुआ है मुकेश टैग गुरु, तो मेरा जो अपना प्रोफाइल है मैं उसी को यहाँ पे टैग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कोई अगर इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको साफ यहाँ पे मेरी प्रोफाइल यहाँ पे उसको दिखाई दे जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक कर देते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं पीपल में जो है मैंने अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे टैग कर दिया है, मतलब कि कोई भी अगर इस पिक्चर को देखेगा और इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेगा तो वहाँ पे इसको मेरी प्रोफाइल दिखाई देगी और वो वहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके मेरी प्रोफाइल पे जा सकता है। उसके बाद नीचे आ जाता है यहाँ पर लोकेशन, तो हमें यहाँ पर अपना लोकेशन एक ऐड कर देना है। तो देखिए मैंने लोकेशन भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। लोकेशन ऐड कर देने के बाद हमारी ये जो पोस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम एरो के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हमारा पोस्ट जो है फिनिश हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पोस्ट है, जो हमने पहला पोस्ट यहाँ पे डाला है वो यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, जो हमने पीपल टैग किया था, टैग का मतलब होता है अगर मैं इस पिक्चर के ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोफाइल मैंने यहाँ पे टैग कर रखी थी वो प्रोफाइल यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब कोई भी इस प्रोफाइल के ऊपर टच करेगा तो मेरी मुकेश टैग गुरु वाली प्रोफाइल पे आ जाएगा। और इसी पोस्ट के नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है लाइक, कमेंट और शेयर का, यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप एक इंस्टाग्राम पोस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजिकल वीडियोज़ का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।